इसराइल हमास युद्ध के बीच लेबनान का हिजबुल्ला अब इसराइल के लिए हमास से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल सबसे पहले जून 2024 के महीने में हिजबुल्ला ने अपना एक जासूसी ड्रोन उत्तरी इसराइल में भेजा था। ये ड्रोन इजरायली सेना के तमाम संवेदनशील सैन्य अड्डों, हथियार कारखानों और एयर डिफेंस की खुफिया जानकारी रिकॉर्ड करके वापस लेबनान लौट गया था। और इसके बाद जुलाई 2024 में भी हिजबुल्ला ने एक ऐसा ही जासूसी ड्रोन उत्तरी इसराइल में भेजा था, जिसने इसराइल के कई बड़े राज जान लिए थे। और इसके बाद हिजबुल्ला ने ताल ठोक कर कहा था कि वो इस जानकारी के आधार पर इसराइल के भीतर कहीं भी सीधा और सटीक हमला कर सकता है। लेकिन अब हिजबुल्ला ने एक ऐसा दावा किया है जिससे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ी हुई है। दरअसल इजरायली न्यूज एजेंसी इसराइल हायोम ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि संदिग्ध ड्रोन ने उत्तरी इसराइल में घुसपैठ की और सीसेरा में बने पीएम नेतन्याहू के घर का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक आमतौर पर नेतन्याहू और उनका परिवार अपना वीकेंड सीसेरा में बने अपने निजी आवास पर गुजारते हैं, जो हाइफा के दक्षिण में करीब 37 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इलाका भूमध्य सागर तट के पास है। इसराइल हायोम के मुताबिक सीसेरा में शुक्रवार को इजरायली नौसेना के एक मिसाइली जहाज को एक संदिग्ध ड्रोन के मंडराने के मद्देनजर तैनात किया गया था। इसराइल हायोम का कहना है कि ऐसा शक है कि इस ड्रोन को हिजबुल्ला द्वारा नेतन्याहू के घर का वीडियो बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। यहां तक कि ये ड्रोन मिसाइल जहाज के रडार में भी चिन्हित हुआ था, लेकिन अन्य कंट्रोल सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाए थे। और अलर्ट के बावजूद जब लड़ाकू जेट्स को उस इलाके में भेजा गया तो ये जेट्स ड्रोन का पता नहीं लगा पाए। हालांकि इजरायली सेना को शक है कि ये एक झूठा अलार्म हो सकता है, क्योंकि कई बार रडार सिस्टम झूठा अलार्म जारी करता है। यहां तक कि चिड़ियों के झुंड के गुजरने पर भी ये अलार्म बज उठता है। हालांकि इजरायली सेना ने हिजबुल्ला द्वारा किसी छोटे ड्रोन को लॉन्च करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर ने अपने बयान में कह दिया है कि वो एक फॉल्स अलार्म था, उस वक्त पीएम घर में नहीं थे। आपको बता दें कि पिछली बार जब हिजबुल्ला ने इजरायली सैन्य अड्डे का वीडियो रिकॉर्ड किया था तो तब उसने होर्दो ड्रोन का इस्तेमाल किया था, और इस ड्रोन ने उत्तरी इसराइल के बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण ढांचों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं इजरायली मीडिया हाउस हारेट्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसराइल ईरान और हिजबुल्ला के खतरे को देखते हुए हाई अलर्ट पर है। और एक वक्त पर इसराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक एकीकृत हिस्सा था। उस वक्त यहां पर नियमित रूप से विमान आ रहे थे और लोगों की आवाजाही हो रही थी। हालांकि अब ये हकीकत बदल चुकी है और ये एक तरीके से घिर गया है।